दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। टेक अपडेट्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने यहाँ पर बात की थी कि होनर का जो V20 चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है, काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन बढ़िया बढ़िया है इसकी, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ ही जो है देखते हैं और क्या क्या जो इसमें कमियाँ है और किस प्रकार से इसको हैंडल किया है होनर ने, और इसकी प्राइस वगैरह भी जो है वीडियो के अंत में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो वीडियो को आगे कंप्लीट देखें। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। बात कर रहे हैं होनर V20 की, काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पर मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। वॉइस अनबॉक्सिंग लाइक आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 6.4 इंचेस की इसके अंदर फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दी गई है 2310x1080 पिक्सल्स के साथ। बात करते हैं इसके CPU की, तो किरिन का 980 CPU जो है जो लेटेस्ट चल रहा है, हाई AI 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है CPU जो है इसके साथ यहाँ पर दे दिया गया है। और साथ ही अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक CPU कूलिंग करने के लिए एक हीट सिंक के या फिर रोड आप बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मली Xiaomi जो है अपने गेमिंग फोन के अंदर यूज़ करता था, वो इसके अंदर यहाँ पर उसी प्रकार की यूज की गई। एक और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर GPU टर्बो टेक्नोलॉजी 2.0 का यूज हुआ है, जिससे जो है हाई एंड जो गेम्स हैं वो आराम से इसके अंदर प्ले हो जाएंगे। 6GB 8GB रैम दो वेरिएंट आपको यहाँ पर मिलते हैं, साथ ही 128GB और 256GB वर्जन आप इसमें ले सकते हैं, और इसमें जो है नैनो मेमोरी कार्ड जो है सपोर्ट करा सकते हैं, जो कि Huawei का खुद का ही डिज़ाइन किया हुआ है। 48 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ जो है मेन सेंसर है, जो कि सोनी IMX586 लेटेस्ट सेंसर के साथ लेस है। अपर्चर 1.8 के साथ काफ़ी कमाल का जो है 48 मेगापिक्सल का सेंसर पीछे की तरफ दिया गया है। 78 डिग्री वाइड एंगल मतलब व्यू आप निकाल सकते हैं। और सेकंड सेंसर जो मिलता है पीछे की तरफ, वो मिलता है आपको 3D TOF सेंसर, जो कि टाइम ऑफ फाइट वाला है, वो काफ़ी बढ़िया से जो है बैकग्राउंड ब्लर करने में और साथ ही जो है 3D एप्लीकेशंस और ऑब्जेक्ट्स को जो है ठीक से यहाँ पर समझने में कैमरा की मदद करता है, तो वो भी जो है इसमें दिया गया है। और इसमें जो है मैजिक UI जो कि होनर की तरफ से निकल के आती है, उसके साथ एंड्रॉयड 9 Pie जो है स्टार्टिंग में ही यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। 4000 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है और साथ ही जो है सुपर चार्जिंग इसके अंदर दी गई है। 22.5 वोल्ट का अडेप्टर इसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इसी के साथ जो है वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी जो है इसे बनाया गया है। रेड, ब्लैक और ब्लू कलर्स के अंदर आप इसे ले सकते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ और जो बेसिक सेंसर्स होते हैं वो मिल जाएंगे, और साथ ही फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा। और फ्रंट सेल्फी कैमरा की आप वेट कर रहे हैं, तो 25 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि AI के साथ ब्यूटिफिकेशन मोड को भी सपोर्ट करता है और फेस अनलॉक के भी काम आ सकता है। तो 25 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है आपको होल के अंदर, पंच किया है वो होल के अंदर डिस्प्ले के एक कॉर्नर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा जो है स्मार्टफोन है। और साथ ही बात करें इसकी प्राइस के अंत में जल्दी से, तो 6GB और 128GB रैम की प्राइस लगभग 30,400 के आसपास हो सकती है इंडिया के अंदर जब निकल के आएगा। 8GB और 128GB की प्राइस यहाँ पर हो सकती है 35,400। वहीं पर बात करें लास्ट 8GB 256GB की प्राइस यहाँ पर लगभग 40,000 कुछ रुपए यहाँ पर रह सकती है इंडिया के अंदर, लगभग इतना यहाँ पर रहने वाला है। तो 6GB और 128GB अगर आप लेते हैं तो 30,000 में आपको लगभग मिल जाएगा। तो इतनी प्राइस के अंदर इतनी सारी बढ़िया बढ़िया टर्बो के साथ है और लेटेस्ट CPU हाई CPU के साथ आपको ये मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया सा ये स्मार्टफोन है। और इसकी प्राइस भी लगभग बिल्कुल सही जो है कंपनी ने यहाँ पर दी गई है, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है, तो उसी के चलते जो है ये कदम कंपनी ने उठाया। तो GPU टर्बो 2.0 का आनंद लेने के लिए आप ये स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन है। डिस्प्ले भी फुल HD प्लस मिलती है और डिस्प्ले की साइज़ भी काफ़ी बिग यहाँ पर दी गई है, एक टाइप का जो है फैबलेट आप इसे बोल सकते हैं। तो फुल व्यू डिस्प्ले दी गई है, सिर्फ एक होल के अंदर आपको कैमरा मिलता है, बाकी पूरी की पूरी डिस्प्ले ही मिलती है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं। आशा करता हूँ काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी होनर V20 के बारे में, जिसे कमेंट करके बताएं जरूर, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करते अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी जान सके होनर V20 के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।